हेलो एंड वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर एक एआई के लिए बैकअप फंक्शन हम बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बना सकते हैं आइए समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको कई एआई के छोटे छोटे वीडियो भी दिए हैं जिसमें आपको ये बताया है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पोर्ट करवाएंगे, ये लिखा इम्पोर्ट, और यहाँ पर चूंकि हम बोलेंगे तो स्पीच, ठीक है, और रिकॉग्निशन यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भी आपको शो ही हो रहा होगा। तो स्पीच रिकॉग्निशन दे करके और फिर यहाँ पर आगे बढ़ना है, और इसको एज जो भी आप SR ER कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली OS को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट OS लिखिएगा, ध्यान रहे कि ये मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होने चाहिए तभी ये काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से फिर देते हैं इम्पोर्ट, फिर यहाँ पे दे देंगे पाई, और क्या दे देंगे TTSX3। तो इसको भी आप कर लीजिएगा यहाँ पे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है, तो यहाँ से आपको ये उठाना पड़ेगा। ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा कि यहाँ से देख लीजिए आप इसको, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जा करके, और ये यहाँ तक लोअर तक आपको कॉपी करना है। ये जो कोड है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी कॉपी इसको कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद वापस आ जाता हूं अपने फाइल पर जिसका नाम है माई बकलोल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां से एंटर करके इसको यहां पे पेस्ट कर लिया है हमने, और यहां पर कुछ चीजें और भी हमें करनी होंगी, उसके बाद ये बैकअप एआई वाला काम हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर वाइल का यूज करिएगा, वाइल एक कीवर्ड है और वाइल लूप के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रू होता हो कंडीशन तो फिर यहाँ पर बैकअप का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकअप, ठीक है, ये लिखा WAKEUP, तो ये हो गया बैकअप इज इक्वल टू लगाना है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, वेकअप लिखते समय आपको अंडरस्कोर लगा के लिखना है, वेकअप इस तरीके से इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन हम वापस से देंगे टेक कमांड, ठीक है। तो टेक कमांड यहाँ पर नीचे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा, और इस तरीके से फंक्शन आप जानते ही हैं लिखते समय हम ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये टेक कमांड वाला फंक्शन है, ये देख सकते हैं इसका नाम हमने टेक कमांड दिया हुआ है, और ये पूरा जो है ये देखिएगा, ये इस तरीके से इतना जो है ये टेक कमांड का जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, जैसे ये लिख लेंगे हम तो अब यहां पर ये देख सकते हैं हमने ये बैकअप टेक कमांड इसको कॉल किया है, और इसके बाद हमें क्या करना है इफ एल्स की कंडीशन दे देनी है। तो नीचे आएंगे और यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल डॉटेड कॉमा में लिखता हूँ वेकअप, ठीक है। तो ये लिख दिया वेकअप, इस तरीके से लिखेंगे वेकअप, और वेकअप लिखने के बाद क्या करना है आपको, इन वेक अप ये दे देना है, और यहां पर लगा देना है कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद एंटर करिएगा, एंटर करके नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे OS जो मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट कराया था तो उसका यूज करिएगा OS.start। अब ये देखिए उसका पूरा देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है, और फिर यहाँ पे पाथ देना होगा आपको। तो यहाँ पर ये जो jarvis.py फाइल है इसके पाथ को हमें कॉपी करना होगा, और यहाँ देखिए ये कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जाके आप इस पाथ को कॉपी करिएगा और फिर अपने फाइल में जाकर के इसको पेस्ट कर दीजिएगा, जहां भी आपको पेस्ट करना है इसको इस तरीके से कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सिंगल डॉटेड कॉमा के अंदर रहेगा, ये चीज आप मत भूलिएगा, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से ये दे दीजिएगा, यहां पर सिंगल डॉटेड कॉमा का भी यूज हो सकता है और डबल डॉटेड कॉमा का भी यूज हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो ये स्लैश हमने दिया है इसको हम डबल कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये एक्सीक्यूट नहीं होता है, तो इसको हमें क्या करना है, डबल कर लेना है, ठीक है। तो यहां से हम इसको डबल करते हुए चलते हैं, आपने देखा होगा CSV फाइल के दौरान भी ये बात हमने बताई थी, तो
क्लास 12 के एग्जाम के लिए जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो ये चीज हमने पहले भी बता रखी है कि यहाँ पे डबल करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने डबल कर लिया है और ये पूरा आपको लास्ट तक ये डबल डबल करते जाना है। तो स्लैश दो बार जरूर लगाइएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा काम तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्लैश लगाया यहाँ पे और यहाँ पर भी स्लैश लगा लेंगे। और लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही स्लैश का काम पूरा हो गया तो फिर नीचे आएंगे हम। चलिए नीचे आते हैं, ये आ गए नीचे। और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्पीक का यूज करेंगे, SPEAK स्पीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये स्पीक आ भी रहा है तो इसी को आप इस तरीके से कर सकते हैं स्पीक। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको देना है वो दे सकते हैं। आप डबल रोटेटेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंगल रोटेटेड कॉमा कोई जरूरी नहीं, आप डबल रोटेटेड कॉमा भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये लिखा मैंने हेलो सर, तो जो आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। हेलो सर लिख दिया और फिर यहाँ लिख देता हूँ आई एम जार्विस, जो भी नाम आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही दिया है तो मैं इसी की बात करूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे डबल रोटेटेड कॉमा ऑलरेडी क्लोज हुआ पड़ा है तो बस इतना करके और फिर यहाँ पे अब एल्स की कंडीशन आपको देनी होगी। एक चीज और ध्यान देनी है, इंटेंडिंग की एरर ना आए तो यहाँ पे एल्स देना है, ये एल्स, और एंटर करिए। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दीजिए तो ये प्रिंट करवाएंगे, नथिंग या कुछ भी जो भी मैसेज इसकी जगह आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों मॉड्यूल के अपने अलग अलग मतलब हैं। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन करके है ये इसलिए दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो माइक से हम बोलेंगे, जो माइक के थ्रू हम बोलेंगे तो उसके वजह से जो चीजें एक्सिक्यूट होंगी वो उसके लिए दिया गया है। और ये OS तो आप जानते ही हैं, OS के लिए है और ये एक और मॉड्यूल है। तो अब हम इस पाथ को कॉपी करेंगे यहाँ से जा करके, ये हमारी फाइल है और यहाँ से जा करके कॉपी पाथ पे जाएंगे तो ये हमारा पाथ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। पहला काम हमें ये करना है कि पाथ कॉपी कर लेना है, पाथ यहाँ से कॉपी हो जाता है, देख ही सकते हैं। पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। विंडोज आर प्रेस करके ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा, CMD डालिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अभी CD... कमांड प्रेस करके हमें इस डायरेक्टरी से बाहर आना है जो सूरज नाम की डायरेक्टरी है, देन यूजर से भी बाहर आ जाना है। अभी हम टोटली रूट डायरेक्टरी पे हैं यानी सी प्रॉम्प्ट पे हैं। अब हम यहाँ पे पाथ जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वो पाथ जो है हमने पेस्ट कर दिया और ये जार्विस वाला जो लिखा हुआ है ना इसको हटा दीजिएगा, बस आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपको और करना होगा इसमें, ये सी जो लिखा हुआ है उसको हटा दीजिएगा क्योंकि सी तो ऑलरेडी वहां पे पहले से मौजूद ही है, एंटर कर दीजिएगा। एंटर करते ही ये पाथ यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, फाइल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है जैसा कि मैंने दिया था mybuckleroll.py, बस अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। वेकअप जार्विस। हेलो सर, आई एम जार्विस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ओपन इंस्टाग्राम। ओके सर, वेट अ सेकंड, योर कमांड हैज बीन कंप्लीटेड सर। शट डाउन। शट डाउन। Open YouTube. Okay, sir. Wait a second. Your command has been completed, sir. Shut down. Repeat my words. Speak, sir. Hello and welcome, students. We are going to study about AI in Python. You said, hello and welcome student, we are going to study about AI in Python. Okay, bye. Okay, bye sir, anytime you can call me. Thank you.
टेक अ ब्रेक. ओके सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. तो आपने देखा कि किस तरीके से ये एआई काम कर रहा है. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एआई पसंद आएगी. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इस तरह के वीडियोस के बारे में मुझे मुझे बता सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी आपको वीडियोस चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा. ठीक है.